तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसका जो सामने का हेडलैम्प है वो कितना पावरफुल है और नाइट में कितना विजुअल कर सकता है। ये नेक्स्ट जनरेशन BS6 न्यू मॉडल जो अभी सितंबर में लॉन्च हुआ है, वो है डार्क स्टील ब्लैक जो हमारा मॉडल है, और इसमें चेक करेंगे कि ये कितना विजुअल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले लो में दिखाऊंगा, फिर हाई में दिखाऊंगा। देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये इसका लो है और ये इसका हाई है। तो अभी तो मैं चला नहीं रहा हूँ फिलहाल, जब मैं अभी चलते हुए भी आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए। रात में बहुत अच्छा विजिबल करता है इसका इंडिकेटर, देख लीजिए। ये है, देख लीजिए कितना अच्छा विजिबल हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चला के चेक करते हैं कि ये चलते हुए कितना विजिबल करता है। मैं जानबूझ के एक सुनसान रोड पे लेके आया था ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी लाइट की क्वालिटी दिखा सकूँ। लो में भी देखिए, लो में भी अच्छा खासा दिखा रहा है ये, और हाई में भी देखिए पूरा विजिबल कर रहा है ये पूरा आगे तक। अब मैं आपको इसको बंद करके, लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ कि कितना अंधेरा है। ये देखिए कितना सुनसान रोड है, आप कुछ भी नहीं देख सकते आगे पीछे। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऑन करके, देखिए कितना अच्छा दिखा रहा है। देखिए पूरा पूरा विजुअल कर रहा है ये आगे से पीछे तक। ये हेड है, हाई है, सॉरी ये हाई है, ये लो है। चलिए अब गाड़ी को चला के देखते हैं कितना विजुअल करता है चलते हुए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं रोड में और इसकी नॉर्मल लाइट देख लीजिए आप। ये है डाउन में और अभी मैं इसको, ये डीपर है, इसके अपर करूँगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए अपर करता हूँ मैं और देखिए ये अपर है इसका, बहुत अच्छा विजुअल कर रहा है गाइस। बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। और अगर आप लोगों को इसका कंपैरिजन देखना है कि पुराने BS6 मॉडल और अभी के BS6 मॉडल में लाइट का कंपैरिजन अगर आपको देख, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पूरा विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है रात में। आप लोगों को इसका जो इनबिल्ट लगा हुआ आ रहा है, जो आप लोगों को उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोच रहे थे कि हम लोग LED लगाएंगे तो मतलब और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा या और ज़्यादा दिखने में आसानी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसके साथ हैलोजन लाइट लगा हुआ आ रहा है वही बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, विजिबल बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को LED में स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हैजार्ड में स्विच करेंगे। हैजार्ड आप लोगों के लिए अच्छा है, बट हैजार्ड जो सामने आप लोगों की तरफ आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर आप लोग किसी हैजार्ड के सामने आए हो तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा दिक्कत करता है वो। मतलब बिल्कुल भी सामने दिखाई नहीं देता, आप लोगों को किसी किनारे खड़े रहना पड़ता है उसके लिए। मतलब वो बंदा जाएगा साइड से, फिर आप लोग चलोगे। तो गाइस देख लीजिए ये एकदम सुनसान रोड है और मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ लाइट चेक करवाने के लिए आया हूँ कि जो आपका हैलोजन लाइट इसके साथ लगा हुआ आ रहा है वो कितना ज़्यादा मतलब कम्फर्टेबल है, कितना सूटेबल है और कितना आप लोगों को विजिबल कराता है रात में, देख लीजिए। ये इसका डीपर है, इसका अपर मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये इसका अपर है, आप लोग देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक पूरा दिख रहा है मुझे यहाँ से। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि वो जो न्यू जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन BS6 मॉडल है, इसमें स्विच करें ना करें। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा कि इसमें किक नहीं है। तो गाइस मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है किक से रिलेटेड, कि अगर आपके इसमें किक नहीं है तो उसका कंपनी आपको क्या सॉल्यूशन दे रही है। बहुत लोगों के लिए अभी ये जो BS6 नया मॉडल है ये थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा होगा, बट आप जब इसको ख़रीदेंगे ना तो आपको पूरा वर्थ लगेगा कि इसमें जितना भी पैसा आपने लगाया है वो आपका कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा वर्थ इट है। आप लोग जाके ले सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है,
बट इसका बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होके इसमें अच्छाई भी आई है। जैसे किक नहीं है, तो सेल्फ तो पहले भी था, बहुत लोग बोले किक क्यों नहीं है, सेल्फ ही क्यों दिया है। तो रॉयल एनफील्ड को टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर वो हर बार एक ही जैसा देता रहेगा तो आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा। हर चीज़ नया नया वो मार्केट में लाते रहते हैं। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा इसमें इनबिल्ट हैज़ार्ड है, और आप लोग मैं दिखा देता हूँ कितना अच्छा लगता है ये सच में। जब रोड में आप चलते हो ना इसको लेके हैज़ार्ड ऑन करके, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है गाइस। तो गाइस अब जब मेरे पास ये बाइक आ गई है तो मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स आप लोगों को बताता रहूँगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी कहीं से कहीं तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तो मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए जानकारी के लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को अपना प्यार ज़रूर देना गाइस, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस बहुत रात हो गई, अब जल्दी जल्दी घर जाता हूँ, और तब तक के लिए बाय।